रोल नंबर 7, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए इसमें। देखिए, when two subjects are added with, when two subjects are added with, when two subjects are added with any of these words, any of these words, comma, verb kriya, verb must be used as per first subject, verb must be used as per first subject, फिर से बोल रहा हूं, when two subjects are added with these words, comma, verb must be used as per first subject. जब दो सब्जेक्ट्स को इन शब्दों से जोड़ा जाए, जब दो सब्जेक्ट्स को इन शब्दों से जोड़ा जाए, जब दो सब्जेक्ट्स को इन शब्दों से जोड़ा जाए, तब क्रिया का प्रयोग पहले सब्जेक्ट के अनुसार करें। जब दो सब्जेक्ट्स को इन शब्दों से जोड़ा जाए, तब क्रिया का प्रयोग पहले सब्जेक्ट के अनुसार करें। लिखे कौन कौन से वर्ड है, एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, विद, टुगेदर विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, except in addition to next, besides accompanied by, etc. As well as, like, unlike, with, together with, along with, except, in addition to, besides, accompanied by, etc. तो जब दो सब्जेक्ट को इनमें से किसी भी कंजंक्शन से या शब्द से जोड़ते हैं, तो वर्ब हमेशा ही इनके जो पहले होगा उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो as well as मतलब के साथ, साथ साथ, like मतलब के जैसा, unlike मतलब के जैसा ना होना, with मतलब साथ, together with, along with सब साथ है, except मतलब छोड़कर, in addition to और besides same ही है, के अलावा, extra, और accompanied by मतलब साथ, बताया तो था, किसी व्यक्ति के साथ है तो accompanied by, किसी चीज के साथ है तो accompanied with, तो जब दो subject को इनमें से किसी से जोड़िएगा तो first के according ही चलना है आपको सब कुछ। first question, I with my parents, comma, my aunts and my cousins am going to the temple to offer our prayer, to offer our prayer. Next, Ravi, as well as his wife have been invited in the reception party. Next, I, comma, like my
I like my brother. I am very soft. Next one. My father, comma, my father, unlike my uncles, is very strict. My father, unlike my uncles, is very strict. Shall I tell you one by one? First question. Galat hai, of course. Sahi kariye. देखिए विद से जुड़ रहा है तो मेन सब्जेक्ट क्या है आई उसी आई के लिए देखिए वर्ब एम है लेकिन आई के लिए पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या आता है आवर या माई तो यहाँ पे आवर को हटाकर माई सब कुछ फर्स्ट के अकॉर्डिंग चलेगा क्योंकि मेन सब्जेक्ट आई है और क्या गलती है हाँ अगर टेम्पल का प्रयोग पूजा करने के लिए होता है तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते टेम्पल स्कूल कॉलेज ये सब अगर जिस चीज के लिए बने हैं उसी चीज के लिए इनका प्रयोग होता है तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो अब सही हो गया आई विथ माई पेरेंट्स माई आंट्स एंड माई कजिन्स आई एम गोइंग टू टेम्पल टू ऑफर माई प्रेयर सेकेंड वन एज वेल एज से जुड़ रहा है तो मेन सब्जेक्ट क्या है रवि और रवि सिंगुलर है तो उसके लिए हैव नहीं लिख सकते आप एज लिखेंगे सही है गलत है ना उससे पहले प्रीपोजिशन में पढ़ा चुका हूँ कि इनवाइट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू आती है इनवाइट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करें और एक गलती है रिसेप्शन के साथ पार्टी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि रिसेप्शन करती होता है अ काइंड ऑफ पार्टी रिसेप्शन करती होता है अ काइंड ऑफ पार्टी सबके साथ पार्टी लिख सकते हैं मैरिज पार्टी बर्थडे पार्टी एनिवर्सरी पार्टी लेकिन रिसेप्शन के साथ पार्टी शब्द का प्रयोग सुपरफ्लुअस है मतलब आवश्यकता से अधिक तो नहीं लिखेंगे तो अब सही हो गया रवि एज वेल एज हिज वाइफ हैज बीन इनवाइटेड टू द रिसेप्शन थर्ड लाइक से जुड़ रहा है तो मेन सब्जेक्ट क्या है आई और आई के लिए एम ही होता है ठीक है नो एरर फोर्थ भी सेम है अनलाइक से जुड़ रहा है तो फादर यहाँ पर मेन सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है तो उनके लिए इज ठीक है तो नो एरर थर्ड कह दिया मैं अपने भाई के जैसा ही बहुत सॉफ्ट हूं और मेरे फादर मेरे अंकल के जैसे ना हो के बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं मतलब उनके अंकल बहुत सॉफ्ट होंगे और फादर जो होंगे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं नंबर फाइव ये भी प्रीडेसर का है द कैप्टन along with the crew the captain along with the crew were drowned next the teacher along with the peons absented themselves from the office next he besides his sons and daughters were involved in that malversation next he in addition to his friends and his
family, has supported, this movement, चलिए बताइए भाई वन बाय वन, गलत है क्योंकि अनाउंस वेर से जुड़ रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है आपका? द कैप्टन, जो कि सिंगुलर है, तो उनके लिए वॉज होना चाहिए। ड्राउन मतलब डूब जाना, व्यक्ति डूबता है, लिविंग डूबता है तो ड्राउन, नॉन लिविंग डूबता है तो सिंक। लिविंग चीजें जब डूबे तो ड्राउन, और नॉन लिविंग जब डूबता है तो सिंक होता है, SINK। समर्ज अलग चीज है, वो तो पानी में डूबने के लिए अलग अलग चीज है, वो लिविंग नॉन लिविंग के लिए समर्ज नहीं लिखते हैं, वो तो नॉर्मल अलग चीज हो गया। द कोस्टल एरियाज आर गेटिंग समर्ज, वो अलग चीज है। नंबर सिक्स, यहाँ पे अलॉन्ग वे से जुड़ रहा है, तो मेन सब्जेक्ट क्या है? टीचर एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के लिए themselves लिखेंगे या himself? क्योंकि सिंगुलर के लिए himself होगा ना, themselves तो प्लुरल हो जाएगा, और वर्ब तो ठीक ही है क्योंकि वर्ब कौन से फॉर्म में है? सेकेंड फॉर्म। और हमें पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में सभी के साथ सेकेंड फॉर्म, राम वेंट, वी वेंट, दे वेंट, तो सब में वेंट ही रहा, तो सेकेंड फॉर्म में डिसाइड नहीं कर सकते, वो सिंगुलर भी होता है प्लुरल भी होता है। नंबर सेवन, अब डिसाइड से जुड़ रहा है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आगे कौन सा सब्जेक्ट है, ही मेन सब्जेक्ट है तो वॉर नहीं होगा, वॉस होगा। ही डिसाइड्स हिज सन्स एंड डॉटर्स वॉज इन्वॉल्व इन दैट मालवर्सेशन, मालवर्सेशन मतलब होता है भ्रष्टाचार, करप्शन, मालवर्सेशन मीन्स करप्शन। नंबर एट, ही इन एडिशन टू हिज फ्रेंड्स एंड हिज फैमिली हैज, ठीक है, इन एडिशन टू से जुड़ रहा है तो ही के लिए यहाँ पे हैज तो ठीक ही चल रहा है, नो एरर। नंबर एट में आपका कोई भी गलती नहीं है। रोल नंबर एट लिखिए, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर एडेड विद, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर एडेड विद, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर एडेड विद, नॉट बट के बीच में गैप रहेगा, और एंड नॉट के बीच में कोई गैप नहीं है। तो when two subjects are added with not but or and not, comma, verb, kriya, verb must be used as per, verb must be used as per that subject, which is not with not. Verb must be used as per that subject which is not with not. दो बार not आएगा, which is not with not. फिर से बोल देता हूँ, when two subjects are added with not but or are not, verb must be used as per that subject which is not with not. हिंदी में जब दो subjects को not but या and not से जोड़ा जाए, तब क्रिया का प्रयोग उस सब्जेक्ट के अनुसार करें, जिसके साथ नॉट नहीं है, तब क्रिया का प्रयोग उस सब्जेक्ट के अनुसार करें जिसके साथ नॉट नहीं है, विच इज नॉट विद नॉट। क्वेश्चंस लिखे, शी एंड नॉट हर सन्स, शी एंड नॉट हर सन्स has come,
दूसरा नॉट शी बट हर सन्स हैव कम, नॉट शी बट हर सन्स हैव कम. नेक्स्ट नॉट आई बट यू आर अ प्लेयर, नॉट आई बट यू आर अ प्लेयर. आई एंड नॉट यू एम अ प्लेयर. नेक्स्ट वन नॉट रवि एंड हिज फ्रेंड्स, नॉट रवि एंड हिज फ्रेंड्स बट राजू हैज डन इट. नेक्स्ट वन रवि एंड हिज फ्रेंड्स, रवि एंड हिज फ्रेंड्स एंड नॉट राजू हैव डन इट. रवि एंड हिज फ्रेंड्स एंड नॉट राजू हैव डन इट. चलिए बताइए सही गलत, सही गलत, सब सही है. हमने कहा कि जिसके साथ नॉट है वो मेन सब्जेक्ट नहीं है, तो पहले पार्ट में देखिए नॉट किसके साथ है, तो ये मेन सब्जेक्ट नहीं है, हटा दीजिए. बच कौन गया, शी, सी के लिए हैज, ठीक है. दूसरा में नॉट किसके साथ है, शी के साथ, ये मेन सब्जेक्ट नहीं है, तो कौन बच गए, सन्स, सन्स के लिए हैव, ठीक है. तीसरा में नॉट का प्रयोग आई के लिए हुआ है, तो ये मेन सब्जेक्ट नहीं हो सकता, तो यू के लिए आर, ठीक है. चौथा में नॉट का प्रयोग यू के लिए दिख रहा है, तो ये हटा दीजिए, तो आई के लिए एम, ठीक है. पांचवा में नॉट का प्रयोग रवि और उसके दोस्तों के लिए हुआ है, क्योंकि बट के बाद अलग होगा ना, तो ये मेन सब्जेक्ट नहीं है, तो बच कौन गया, राजू, राजू के लिए हैज, ठीक है. छठे में नॉट का प्रयोग कहां पे है, राजू के साथ, तो राजू मेन सब्जेक्ट नहीं है, तो बच कौन गया अभी, रवि और उसके दोस्त, जो कि प्लुरल नाउन है, तो उसके लिए वर्ब भी प्लुरल, तो नो एरर, सब सही है, देयर इज नो एरर एट ऑल. हटा दें इसे, एक और तरीका समझा देता हूं, इजी हो गया. देखिए ऐसे पढ़ा ना कि जब नॉट बट से जुड़ता है, नॉट बट, तो बट के बाद ही मेन सब्जेक्ट होगा, अगर नॉट बट की बात होगी तो बट के बाद मेन सब्जेक्ट होगा. दूसरा अगर आप बात कर रहे हैं एंड नॉट की, तो एंड के पहले जो है वही आपका मेन सब्जेक्ट होगा. बट नॉट में बट के बाद वाला मेन सब्जेक्ट होगा, एंड नॉट में एंड के पहले ही मेन सब्जेक्ट होगा, क्योंकि नॉट इस पार्ट में है तो ये नहीं होगा, तो अगला पार्ट, यहाँ पे नॉट की दिख रहा है अगले पार्ट में, तो उससे पहले वाला पार्ट मेन है. तो जब नॉट बट है तो बट के बाद वाला मेन सब्जेक्ट होगा, और एंड नॉट में एंड के पहले वाला ही मेन सब्जेक्ट होता है. व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर एडेड विद, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर एडेड विद either or, neither nor, not only but also. When two subjects are added with either or, neither nor, not only but also. So when two subjects are added with either or, neither nor, not only but also, comma, verb must be used. Verb must be used as per that subject, verb must be used as per that subject which is not with, sorry, verb must be used as per that subject which is, verb must be used as per that subject which is near one, which is near one, near one,
near, near one, O-N-E one, which is near one. मतलब हिंदी में लिखिए जब दो सब्जेक्ट्स को आइदर और नाइदर और या नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ा जाए, जब दो सब्जेक्ट्स को आइदर और नाइदर और या नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ा जाए तब क्रिया का प्रयोग उस सब्जेक्ट के अनुसार करें, तब क्रिया का प्रयोग उस सब्जेक्ट के अनुसार करें जो सबसे नजदीक है. क्रिया का प्रयोग उस सब्जेक्ट के अनुसार करें जो सबसे नजदीक है. मतलब ये रूल और का जो रूल था सेम है. कंजंक्शन और का रूल भी कहता है कि जब कंजंक्शन और से दो चीजें जुड़ती हैं तो नजदीकी अकॉर्डिंग. तो यहां भी वही है कि जब इनसे जुड़ता है तो जिसके नजदीक वर्ब है वही आपका मेन सब्जेक्ट होगा. हिंदी सुन लीजिए, आइदर और का हिंदी होता है या तो या. आइदर और का हिंदी है या तो या. नाइदर नॉट का हिंदी होता है ना तो ना. और नॉट ओनली बट ऑल्सो का हिंदी होता है केवल ही नहीं, या तो या, ना तो ना, केवल ही नहीं बल्कि. तो जब इनसे जुड़ता है तो वर्ब जिसके नजदीक है सब्जेक्ट के उसी के अकॉर्डिंग वर्ब हो जाएगा. मतलब कुछ भी हो सकता है. क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आइदर, प्रीवियस से शुरू करते हैं. आइदर प्रकाश और his, either Prakash or his brother Prashant are able to do it in the day, are able to do it in the day. Neither you nor your teacher, nor your teacher were there in the class, were there in the class. Neither the doctor, nor the nurses of this nursing home is sincere. Next, she was not only conquered. She was not only conquered and also suffered for her eximious feet. Either Prakash or his brother Prashant. सही नहीं गलत है. नजदीकी कौन है? प्रशांत सिंगुलर है तो आर नहीं इस होगा. आइदर प्रशांत और हिज ब्रदर, आइदर प्रकाश और हिज ब्रदर प्रशांत इज एबल टू डू इट इन द डे. इन द डे होगा या इन अ डे होगा या दोनों सही होता है? अलग अलग अर्थ होता है. इन द डे का अर्थ होता है 12 आवर्स जब तक सूर्य है, और इन अ डे का अर्थ होता है दिन और रात दोनों मिलाकर 24 घंटे. इन द डे का अर्थ होता है 12 आवर्स जब तक सूर्य है, और इन अ डे का अर्थ होता है 24 आवर्स मतलब दिन और रात मिलाकर जो 12-12 घंटे होते हैं 24 घंटे. तो यहाँ पे 12 घंटे की बात हो रही है दिन के. नाइदर यू नॉर योर टीचर, तो यहाँ पे नजदीकी कौन है? टीचर जो भी सिंगुलर है तो उनके लिए वॉच दीजिए. थर्ड वन ये भी प्रीवियस सर का ही है. नॉट द नर्सेस, अब देखिए नजदीकी यही है. जनरली इसके ठीक बाद वर्ब देता है बट वो जबरदस्ती का ऑफ दिस नर्सिंग होम लिख दिया जैसे कि वर्ब दूर हो जाए, लेकिन अभी भी सब्जेक्ट नर्सेस है तो उसके लिए इज नहीं होगा, आर होगा. फोर्थ
गलत है. कंजंक्शन क्या आता है? नॉट ओनली के साथ क्या आता है? एंड ऑल्सो या बट ऑल्सो. बट ऑल्सो तो एंड को हटाकर बट लिखिए. नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है तो उसमें भी क्वेश्चन लिखेंगे. नॉट ओनली बट ऑल्सो में देखिए चार तरीके, तीन चार तरीके से क्वेश्चन होंगे. या तो नॉट ओनली बट ऑल्सो में से कोई एक शब्द को बदल देगा, या तो कोई एक शब्द को हटा देगा, या फिर उसके स्थान को उल्टा पुल्टा कर दे. यही तीन तरीके से क्वेश्चन होंगे. अभी हम लोग लिखेंगे. कॉकर और साबुन का अर्थ एक ही होता है, तारीफ करना. कॉकर और साबुन सिनोनिम है, जिसका अर्थ होता है अप्रिशिएट, प्रेस करना. एक्जीनियस का अर्थ होता है शानदार, एक्सलेंट. एक्जीनियस का अर्थ होता है एक्सलेंट. और फीट का अर्थ होता है उपलब्धि. फीट का बहुत सारे अर्थ है. एक अर्थ होता है उपलब्धि, अचीवमेंट. कॉकर का एग्जैक्ट अर्थ होता है पीठ थपथपाना. लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन. नॉट रवि बट ऑल्सो श्याम एज कम. नॉट रवि बट ऑल्सो श्याम एज कम. नेक्स्ट. He was not only, beaten, but also fined for, his misdemeanor. Misdemeanor, MISDEMEA. MISDEMEANOUR. Misdemeanor spelling correction का है. MISDEMEANOUR. Next. Not only drinking. But also smoking. But also smoking. Is a vice. Not only drinking but also smoking is a vice. Next. Not only drinking but smoking also is a vice. Next one. Not drinking only. Not drinking only, but also smoking is a vice. Last question. Not Ravi, but his sons are innocent. Not Ravi, but his sons are innocent. चलिए बताइए नंबर फाइव. गलत है. बट ऑल्सो दिख रहा है. नॉट वी आर कोर्स ओनली को मिसिंग किया गया, मतलब ए पार्ट में एरर है. यहाँ पे आपको ओनली लिखना चाहिए क्योंकि एक शब्द गायब है तो उसे तो लिखना ही होगा ना. क्योंकि नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है तो उसमें से कोई एक शब्द गायब करिएगा या फिर हटा के एरर बनाते हैं या फिर कुछ अलग कर दीजिए. नंबर सिक्स सही दिख रहा है. नॉट ओनली भी है बट ऑल्सो भी है. नॉट ओनली के साथ भी थर्ड फॉर्म है, बट ऑल्सो के साथ भी थर्ड फॉर्म है, तो नो एरर है, कोई गलती नहीं. मिस डैमनर मतलब बैड कंडक्ट. वेरी गुड. मिस डैमनर का अर्थ होता है बुरा व्यवहार, बैड कंडक्ट, जिसके लिए हमने एक फ्रेजल वर्ड आपको लिखा होगा एक्ट अप. एक्ट अप मतलब बुरा बर्ताव करना, मिसबिहेव करना. नंबर सेवन नॉट ओनली के साथ आईएनजी बट ऑल्सो के साथ भी आईएनजी, नो एरर. वाइस मतलब क्या होती है? वर्च्यू मतलब होता है अच्छाई और वाइस का अर्थ होता है बुराई. वर्च्यू का एंटोनिम होता है.
अच्छाई का ये एंटोनिम है बुराई, वाइस मतलब खराबी बुराई ये सब होता है, सोशल इविल सामाजिक बुराई। देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो लिखने का तरीका बताया तो, देखिए कौन कौन सा तरीका है, मतलब कौन सा सही है कौन सा गलत है ये बता रहा हूं। नॉट ओनली बट ऑल्सो, दूसरा बी पार्ट, नॉट ओनली बट बीच में कुछ लिखा होगा फिर ऑल्सो, तीसरा नॉट बीच में कुछ लिख दिया फिर ओनली है फिर जाके इधर बट ऑल्सो अलग हो या एक साथ हो। नेक्स्ट नॉट ओनली बट कहीं भी हो सकता है बाद में, एज वेल ऐसा भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट नॉट ओनली बट बाद में टू भी लिख सकते हैं, और भी होता है लेकिन वो एग्जामिनर नहीं मानता इसलिए हम लोग इतना तक में सीमित है। इसमें से सब सही हो सकता है बस इसे छोड़ के नॉट, देखिए बट ऑल्सो के बीच में कुछ लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी नॉट ओनली के बीच में किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता, और बट ऑल्सो के स्थान पे बट एज वेल भी लिख सकते हैं बट टू भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बट के बाद ऑल्सो ही आए। एक और रूल होता है नॉट ओनली के साथ सिर्फ बट का भी प्रयोग मान्य है, आउटसाइड में न्यूज़पेपर मैगजीन से नॉट ओनली के साथ सिर्फ बट ही दिखेगा, ऑल्सो ऑल्सो कुछ नहीं दिखता है, बट वो हम एग्जाम में अभी भी अप्लाई नहीं करते हैं तो उसे छोड़ दिए। बस सी नहीं लिख सकते हैं, ये गलत तरीका है, अदरवाइज सब चीजें सही हो सकती है। इसके लिए आप डिटेल में पढ़ते हैं कंजंक्शन में, क्वेश्चन वहां पे ज्यादा रहेगा। तो नंबर 8 बता दीजिए आप सही है गलत। सही है क्योंकि नॉट ओनली के साथ तो कुछ बीच में रखा नहीं, बट ऑल्सो स्मोकिंग बोलो या बट स्मोकिंग ऑल्सो बोलो एक ही बात है। आजकल स्पोकन इंग्लिश में या बोलचाल में या निशुल्क मैगजीन में ये ज्यादा दिखेगा आपको। नंबर 9 गलत है, नॉट ओनली के बीच में कभी कुछ लिख नहीं सकते हैं, तो ये गलत क्वेश्चन है, तो इसे आपको प्लेसमेंट बदल दीजिए, ओनली और ड्रिंकिंग का प्लेस बदलेगा तो नॉट ओनली ड्रिंकिंग कर लीजिए, अब सही हो गया ये, नॉट ओनली ड्रिंकिंग होगा, नॉट ड्रिंकिंग ओनली नहीं लिख सकते हैं। नंबर 10 नहीं लिखेंगे ओनली ऑल्सो, हाँ ये वो पिछला रूल से हो गया है कि जब दो सब्जेक्ट को नॉट बट से जोड़ते हैं तो वर्ब उसका होगा जिसके साथ नॉट नहीं है, तो वो वाला रूल आ गया, ये मेन नहीं है तो कौन है सन्स, सन्स के लिए आर ठीक है। अब ये नहीं कि यहाँ पे ओनली जोड़ देना यहाँ पे ऑल्सो जोड़ लेना, अरे ना लाइक वो एक चीज गायब होगा, सब चीज गायब कर देगा तो सब बैठाओगे, या फिर एक अलग कंजंक्शन भी होता है कि जब दो चीजों को नॉट बट से जोड़ते हैं तो जिसके साथ नॉट नहीं है वो मेन सब्जेक्ट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, हाँ ऑफकोर्स नंबर 10 लिखा है तो रूल ही होगा ना। अच्छा 9 तक एग्जाम्पल भी था क्या, 8 था ना, 10 था तो फिर से 10 कैसे आया, जीएस भी खराब, रीजनिंग खराब है सबका। हाँ गिनती कमजोर है, मैथ भी खराब है यानी। नेक्स्ट लिखिए मोर देन 2, अब यहाँ पे 2 के स्थान पे 1 को छोड़ के कुछ भी लिख सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी संख्या लिखो, तो प्लस प्लुरल नाउन प्लस प्लुरल वर्ब, सब कुछ प्लुरल। नेक्स्ट मोर प्लस प्लुरल नाउन प्लस देन 1 प्लस प्लुरल वर्ब, और भी हो सकता है मोर प्लस प्लुरल नाउन प्लस देन 1 के स्थान पे आप कुछ भी लिख लीजिए, 2, 3, 4 व्हाटएवर 2, 4 कुछ भी लिख लो कोई एक संख्या 1 के अलावा प्लस प्लुरल वर्ब, मतलब है कि मोर देन 1 के बाद सब कुछ सिंगुलर, मोर देन 2, 3, 4 के बाद सब कुछ प्लुरल, मोर के ठीक बाद अगर प्लुरल नाउन आ गया तो सब कुछ प्लुरल, यही रूल है। क्वेश्चन मोर देन 1
More than one boy is good. Next, more than five students. More than five students were playing. More than five students were playing. Next, more students. More students than one have come. Next one. More students than three. More students than three have been awaiting for us. Next one. There are more than one. There are more than one book. Pehla to sahi hai. More than one ke baad singular noun aur singular verb bhi theek hai. To no error. More than five hai to of course plural noun hai aur verb bhi uska plural verb hai. For the helping verb sahi to main verb decide hoga na. Third, more ke theek baad agar noun aa gaya to plural noun hoga aur verb bhi uska plural hi hona chahiye. ये भी ठीक था. फोर गलत है. मोर के ठीक बाद प्लुरल नाउन है तो वर्ब भी प्लुरल ही होगा. प्लुरल वर्ब चल रहा है लेकिन हमें पता है कि अवेट के साथ फॉर नहीं लिखते हैं क्योंकि अवेट का फॉर वेट फॉर लिखिए या अवेट लिखिए एक ही शब्द होता है तो अवेट के साथ फॉर लिखना सुपरफ्लुअस है. वी कैन नॉट यूज फॉर विथ अवेट बिकॉज अवेट इटसेल्फ मींस वेट फॉर. लास्ट नंबर फाइव. टेंस से पढ़ा चुका हूं ना कि जब भी देर लिखते हैं हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि जब भी देर लिखते हैं तो पहले वर्ब आती है और बाद में उसका सब्जेक्ट और इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो वर्ब चलता है. तो देर आया तो पहले उन्होंने लिखा है वर्ब और सब्जेक्ट लिखा है मोर देन वन. तो मोर देन वन के साथ वर्ब कैसा आता था सिंगुलर ना तो आर होगा या इज होगा. इज होगा तो देर इज मोर देन वन बुक. तो डियर स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं और अगर कोई इसमें दिक्कत है तो हमें कमेंट जरूर करें. और अगर आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें क्योंकि इससे हमें काफ़ी जो है मतलब जो है मोटिवेशन मिलता है. स्टूडेंट्स इस चैनल पे आपको इंग्लिश के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि इससे जो आपको काफ़ी बेनिफिट मिले. और फ्रेंड्स डियर स्टूडेंट्स टीचर्स इस लेक्चर को या इस हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में जो शेयर करें ताकि जो बच्चे हमसे डायरेक्टली नहीं जुड़ सकते हैं हमारे पास नहीं आ सकते हैं उन्हें भी इसका काफ़ी फायदा मिलेगा. एंड दैट विल बी गुड फॉर ऑल ऑफ अस. थैंक यू वेरी मच.